की बैठे है ना, सोच के क्या करे। अरे जो सारा देश रो रहा है ना, कभी उसने पूरे गलत बात करो, गलत बात की निशान नहीं करूं। नगर निगम की बैठक में एक तरफ जहां शुरुआत से अंत तक हंगामा पसरा रहा, वहीं बैठक हॉल के बाहर लोग अपनी समस्याएं लेकर टक लगाए अपने जनप्रतिनिधियों की राह ताकते रहे। अंदर जहां पार्षद हंगामा कर रहे थे, वहीं बाहर वार्ड नंबर 7 के पार्षद मनोज कुमार अपने ही वार्ड के लोगों से भिड़ गए। पार्षद साहब ने न केवल अभद्र भाषा में लोगों से बात की, बल्कि जन समस्याओं को सुनने की जगह वह लोगों के ही सर हो गए। बिहार से आए हैं 50 आदमी, हमारे उत्तम बिहार रोहतक से आए हैं 50 आदमी। अगर रूप आया हुआ हमारा, एक तो हमारी जो शिवर ब्लॉक को रखे हैं, सब गलियों में पानी भरा हुआ है। सवेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको भी जगह नहीं मिलती जाने के लिए। और मेन समस्या हमारी क्या, जो मेन एक नंबर गली है वो है थोड़ी हाइट पे, उसके अलावा जो 6-7 उसमें पार्टीशन होते हैं वो हैं डाउन। तो बारिश का जैसे ही पानी आता है आजादगढ़ से या कोई दूसरी जगह से मेन गली से होते हुए, सब गलियों में भर जाता है। अभी भी अड़ोस पड़ोस के जितने मकान हैं सब में पानी भरा हुआ है, और इतना गंदा पानी बदबू आ रहा है। पिछले साल भी हम 8-10 बार उनके पास में घूमने के लिए मिलने के लिए आए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तो ऐसे ही परेशानी यही है कि गलियाँ नीची हैं, सीवर ब्लॉक हो रखे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है, खुजलियाँ हो रखी है। जनते हाँ जी, पार्षद से भी किया है, मेयर से भी किया है, कलेक्टर से भी किया है, पिछले साल भी किया है, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे कोई उम्मीद लग नहीं रही कि ये तो मानसून से पहले की चल रहा है। मानसून का क्या, मानसून का अगर सीवर सफाई होगी तो मानसून का तो ये है भी 4 घंटे की बजाय 6 में निकल जाए, लेकिन 6 दिन भी नहीं निकले। प्रॉब्लम उस पानी की है, वो तो हम भी समझते हैं भाई, ज़्यादा बारिश होगी तो रोड के ऊपर पानी 1-2 घंटे 6 घंटे पानी रुक सकता है, लेकिन जब वो पानी निकलेगा नहीं तो उसमें तो मानसून का कोई दोष है ही नहीं। तो कोई सीवर की काफ़ी दिक्कत, बहुत डिमांड है जी। वार्ड नंबर 6 है, 6 है गली नंबर 6 है, उत्तम बिहार के है जी, मनोज कुमार है, ये अपने यही हैं पार्षद भी यही हैं। हाँ बोलो, यही पार्षद हैं हमारे, पिछले साल से हम आप चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, मजबूरी में मतलब डीसी के पास हम जा लिए, मेयर के पास हम जा लिए, पार्षद के पास हम जा लिए, सभी के पास जा लिए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं होता। टेम्परेरी सोल्यूशन कर देते हैं, बिना दो बिना के लिए हो गया, उसके बाद फिर वही हालत हो जाती है। न तो गली ठीक बनाते हैं, न पानी की निकासी का कोई साधन है। निकासी नहीं होगी पानी की तो बरसात तो होगी, बरसात का पानी तो निकासी बिना कैसे होगा। खाली प्लाट पड़े उनमें भर जाता है पानी, मच्छर पैदा हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, सुनता कोई है नहीं। अभी जो बारिश हुई थी उसमें क्या हाल है? उसमें भी मेरे मकान के बिल्कुल आगे अभी भी इतना पानी है, खाली प्लाट है अभी भी इतना पानी, बस स्टैंड तक का पानी वहाँ गया है। मानसून की पहली बारिश ने ही एक तरफ जहाँ सारे सिस्टम की पोल खोल दी, वहीं आज हुई निगम की बैठक में जलभराव का मुद्दा ही गरमाया रहा। पार्षदों ने अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए उन पर काम ना करने का आरोप लगाया, लेकिन सरकारी हुक्मरानों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। वहीं कोर्ट से केस जीतने के बाद भी पहरावर के शमशान घाट को शिफ्ट करने को लेकर भी लोग बैठक हाउस के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। हम पैरावर से आए हुए हैं शमशान के मुद्दे को लेकर, लेकिन इसकी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। यहाँ पर 10 बार हम आ चुके हैं, यहाँ पर कोई किसी भी टाइप का कोई एक्शन नहीं है। शमशान घाट पूरी कॉलोनी के अंदर आई हुई है, उसको वो बिल भी पास हो चुका है, उसको वो पास भी कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर आगे एक्शन नहीं लिया जा रहा। अदर पार्टी जो कि वहाँ पर रहती नहीं है, उन्होंने इसको लेकर इशू बना रखा है, जबकि वहाँ पर रहने वाले सभी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर हम पैरावर से आए हुए हैं, लगभग 50 के करीब आए हैं फैमिली मेंबर्स, कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ को लेकर जी। मैम, इस चीज़ को लेकर कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, निगम काम नहीं कर, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। पार्षद से, पार्षद को इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी है, पार्षद को इसके बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, उनसे ये पूछा जाए। मैम, हद से ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। ये बड़े भाई हैं, इन्होंने इस केस को लेकर ये जीत चुके हैं, हरासमेंट की जा रही है,
हाँ मैडम, केस 2018 में केस चला था मैडम, ये केस 22 में फाइनल होया है मैम, और जब भी सुनवाई नहीं हो रही, जीत लिया, फाइनल होगा ये सब कुछ। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, कई प्रस्ताव भी पारित किए जाने थे, लेकिन हंगामे के कारण अधिकतर मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। फिलहाल हाउस की बैठक को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आम लोगों की समस्या अभी भी समस्या ही बनी हुई है, जिन्हें ना पार्षद और ना ही नौकरशाह सुनने को तैयार हैं।